पे इतना प्यारा स्माइल दे रहा है यहाँ पे खड़ा होके, तुम भी हो? हाँ सर, अभी इसके बाद मेरा ही प्लान है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा ही है। वहाँ पे सर आप फाइल मिला है? अभी चलते हैं देखने कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स कहाँ पे हैं, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स के की हैं, और यहाँ पे इन बच्चों को भी देख सकते हैं। हमें सही है, बस दो ही गोटी है, एक गोटी बचाओ। तारीख है 9 अक्टूबर 2021 और को क्यूरिकुलर कोऑर्डिनेटर के तौर पे आज पहला क्यूरिकुलर एक्टिविटी जो है परफॉर्म करवाऊंगा, जिसका नाम रखा है जस्ट अ मिनट। तो आज सैटरडे है और निकल रहा हूँ मैं कॉलेज के लिए, नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। कहीं ना कहीं दिन जो है वो काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ दिख रहा है, तो चलते हैं इस एनर्जी का जो बैटरी बैकअप है उसको शाम तक ख़त्म करके वापस घर पे आया जाएगा। अपने फेवरेट पार्किंग स्पॉट पे मैंने बाइक को पार्क कर दिया है अपने, और अब चल रहे हैं कॉलेज पे, काफ़ी टाइमली आ गए हैं। और अभी हमारे साथ साथ नेहा मैम और मेरे साथ में देख सकते हैं शिवानी मैम, सब लोग साथ में आ रही हैं, मगर हमको लग रहा है मेरे स्पीड से देखने से पता चल रहा है कि पहले मैं ही पहुँच रहा हूँ। ठीक और ये देखिए सबसे पहला एंट्री हमारा हुआ, और उसके बाद में सेकंड शिवानी मैम है, और थर्ड नेहा मैम आई है, मगर थम पहले शिवानी मैम लगा दे रही हैं। और एज यूजुअल टीचर्स का मेला सवेरे लग चुका है, सब लोग एक साथ खड़े हैं। प्रशांत सर की स्माइल आज छुपी हुई है मास्क के पीछे, रविंद्र सर काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों समय हो रहा है 12:43 और मैं आ चुका हूँ अमन सर के साथ में यहाँ पे लंच करने के लिए। तो चीज़ें जो हैं आज बहुत शानदार जा रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, और अभी चलते हैं नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और फिर आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना है बच्चों को, और हमें करना है कोऑर्डिनेट। तो मुलाकात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में ऐसा होता है हर सैटरडे को करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी वहाँ पे हमारे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ हैं, और यहाँ पे भी सेकेंड ईयर। तो अभी यहाँ पे हम लोग का जो जस्ट अ मिनट था वो पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे सर के साथ में बैडमिंटन कोर्ट के लिए। ठीक है, वहाँ पे अब चल रहे हैं, देखा जाएगा क्या बैडमिंटन में कैसा प्रदर्शन चल रहा है बच्चों का, और फिर वहीं मुलाकात होता है। और अब यहाँ पे पार्ट स्टार्ट होता है बैडमिंटन का, ये देख सकते हैं इतना प्यारा स्माइल दे रहा है यहाँ पे खड़ा होके, तुम भी हो? हाँ सर, अभी इसके बाद मेरा ही प्लान है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा ही है। वहाँ पे सर आप फाइल मिला है? अभी चलते हैं देखने कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स कहाँ पे हैं, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स के कहा जाए। और ये फ्रेंडशिप बेंच के पास में हमको लग रहा है हमारे अंकुर सर दिख रहे हैं, ये हिस्सा कल मैंने बताया था फ्रेंडशिप बेंच, अंकुर सर कैरम के साथ में बिजी हैं, और यहाँ पे इन बच्चों को भी देख सकते हैं। हमें सही है, बस दो ही गोटी है, एक गोटी बचाओ। ये कैरम का हो गया, बैडमिंटन दिखा दिया, जस्ट अ मिनट दिखा दिया, और यहाँ पे अब सर आप कोऑर्डिनेटर हैं। और ये सर के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे अब जो है चेस चल रहा है। Yeah.
अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पे हर सैटरडे को। अभी बस मैं ये खोज रहा हूँ कि सिंगिंग कंपटीशन कहाँ पे चल रहा है या वहाँ का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, तो बस उसी चीज़ को खोज लेता हूँ और उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद फिलहाल चलते हैं, अब नहीं हुआ तो चल चलेंगे अपने कॉलेज में, फिर से अपने डिपार्टमेंट में। तो जो लोग कहते हैं कि टीचर्स की ज़िंदगी आसान होती है, तो हमारे पीछे देख लीजिएगा, पूरा खाचा खच भरा पड़ा है ऑफिस। काउंसलिंग का मतलब एकदम अंतिम टाइम पे लोग आए। आज हम लोग का 3:30 बजे छुट्टी होना था, मगर समय हो गया है 5, और कल सवेरे जो है वापस से हम लोगों को आना है, क्योंकि काउंसलिंग जो है चलता ही जा रहा है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि काउंसलिंग करने मतलब जब छुट्टियों में आप आते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल छुट्टी मिलता है आपको, जो आप 5 साल में कभी भी अवेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट है। और रुकते हैं 10 मिनट। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सामने भी जो है वहाँ पे नवरात्रि के लिए पंडाल वंडाल बना दिया गया है। अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ पनीर वनीर खरीदने के लिए, कुछ स्पेशल बनाते हैं आज। और भाई साहब बस चलते हैं। गेट में जो गेट कीपर है उसने सीधे सीधे कहा, भैया ये उत्तर प्रदेश है, आपका हेलमेट पसंद आ गया, कौन उठा के लेके चल देगा पता नहीं चलेगा। जो मेन गेट है जहां से आपको एंट्री लेना है शहीद अशफाक उल्ला खां के इस जू में, या ऐसा सिंपल शब्द में कह दूं मैं, गोरखपुर के जू में जब आपको एंट्री लेना है तो एंट्री पॉइंट आपका यहां से है। शनिवार को वहां पार्टी होती है, कई लोग गैदर होते हैं अलग अलग। यहां से लो सफर शुरू हो गया। देसी तोता वहाँ पे बैठे हैं, कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब तादाद ज़्यादा गिनने लायक नहीं। और भाई साहब अब मैं बात करता हूँ कोकाटेल की। कोकाटेल मेरे सबसे फेवरेट पैरट्स में से एक है, जो कि एकदम पिकाचू लगते हैं मुझे देखने में, एकदम मुझे पिकाचू ही लग रहे हैं। बिना देर किए हुए पट से बाहर होना है।